अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक असनाद, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, खैरियत। अच्छा मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का अभी कल रात को जलसा हुआ है, पहला वर्चुअल जलसा, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने फॉलो किया है उसको? बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश की थी पहले, लेकिन वो इंटरनेट इन्होंने बिल्कुल ही स्लो कर दिया, उसमें इंटरफेयर किया, यूट्यूब भी बिल्कुल गायब हो गया, दूसरे भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी सही नहीं आ रहे थे। नहीं तो इंटरनेट को इस तरीके से डिसरप्शन लाने से आपको लगता है कि ये नाकाम बना सके हैं उस जलसे को? देखिए, ये कर रहे हैं मैसिव रिगिंग, प्री पोल रिगिंग, और हर तरीके से पीटीआई को ये नहीं चाहते कि उनका पैगाम अवाम तक पहुंचे, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं और लोगों ने फैसले करने हैं कि वोट किसको दें। लेकिन इसके नुकसान तो क्या होने हैं, वो करोड़ों लोगों ने इसको देखा है, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी हर जगह पड़ी है इंटरनेट के ऊपर। नुकसान इसका यह है कि देखिए, आजकल का जो बैंकिंग सिस्टम है और दूसरी जो कम्युनिकेशन है सारी दुनिया के साथ, रीजनली, इंटरनेशनली और मुल्क के अंदर भी, वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। एक मिसाल उसकी बैंकिंग की दी जा सकती है। बैंकिंग के बहुत से मसाइल होते हैं, जिस तरह क्रेडिट कार्ड है, जिस तरह डेबिट कार्ड है, जिस तरह आपने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, वो सारे इसके जरिए होते हैं इंटरनेट के। अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रुक जाएंगी। सपोज किसी का कार्ड चोरी हो जाता है, उसे रिपोर्ट करनी है कि फौरन ब्लॉक कर दिया जाए, वो नहीं करवा सकेंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करके क्या आप किसी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन से रोक सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो? उनके इलेक्शन तो अनाउंस हो गए हैं, तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम तो कैंपेनिंग ही होती है। देखिए, कानून भी ये कहता है कि जब स्केड्यूल आ जाए, प्रोग्राम आ जाए उसका, इलेक्शन का, तो फिर इलेक्शन कमीशन सारे इख्तियारात ले लेता है एडमिनिस्ट्रेशन के, और वो फिर कंडक्ट करवाता है इलेक्शन। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने पहले, जैसे पहले कहा था, ये मैसिव रिगिंग हो रही है। इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप किसी को दबाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर 50% उनके वोट हैं, तो उनको 50% हमदर्दी का ऊपर से वोट भी मिल जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि इस किस्म की टैक्टिक से जो पीटीआई की मकबूलियत है उसमें इजाफा हो रहा है? हुआ है, कि ये जुल्म है, ये जुल्म तो कर ही नहीं है, लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया है, कोई चार्जेस नहीं उनके खिलाफ, तो सिंपथी वोट भी मिल जाएगा सारा, क्योंकि इतना जुल्म पाकिस्तान में पहले हुआ नहीं कभी, पहली मरतबा ऐसे हुआ है, इतना जुल्म और जबर ये कर रहे हैं और अपने लोगों को इंसान ही नहीं समझ रहे, अपने पाकिस्तानियों को, और इन्होंने सबक भी नहीं सीखा दिसंबर 16, 1971 से। वहां पे क्या हुआ था? वहां पे ये हुआ था ना कि इंटरफेयर किया गया था जो लोगों का मैंडेट है, और उसके बाद जो सिविल वॉर हुई और फिर उसके नतायज, वो तो शर्म आती है बताते हुए भी। तो क्या ये वो करना चाह रहे हैं? तो जो जिम्मेदारान थे 1971 के फॉल ऑफ ढाका के, अगर उनको कटहरे में खड़ा कर लिया जाता माजी में, तो आपको लगता है कि इस कदम से बचा जा सकता था? देखिए, हमूद रहमान कमीशन बनाया गया, हमूद रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने तमाम खामियों की तरफ इशारा किया और उसमें सजेशन भी दी थी, तो अगर वो उन पे अमल कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है कि हालात। लेकिन हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट तो पब्लिक ही बड़े अरसे बाद हुई थी, यहाँ पे पब्लिक भी नहीं हुई थी, पब्लिश वो तो डी क्लासीफाई, पहले तो वो भारत से छपी थी, मेरा ख्याल भारत से छपी थी, फिर यहाँ के जो है पब्लिशर उन्होंने छाप दी थी, इसलिए ये छुपाना लोगों, अब चीजें देखें सब छुप नहीं सकती, अब सारी दुनिया को मालूम है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए सबक नहीं सीखा। और अगर कौमें सबक नहीं सीखती अपने माजी से, तो फिर उसके भयानक नतायज होते हैं जिस तरह माजी में हो चुके हैं। शुक्रिया।